नमस्कार, मैं हूं कीर्ति सिंह। इस वक्त हाजिर हूं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। देखते रहिए सिर्फ पावर ऑफ जनता न्यूज। बाराबंकी की फतेहपुर तहसील में मनाया गया वन महोत्सव। इस अवसर पर रामलाल शीतगृह औरंगाबाद में वृक्षारोपण किया गया, जिसमें बाराबंकी स्नातक क्षेत्र की विधान परिषद सदस्य कांति सिंह ने अध्यक्षता की। शीतगृह मैदान में उप जिलाधिकारी फतेहपुर व विधायिका ने नीम, पीपल, सौगान, अशोक आदि वृक्ष लगाए। माननीय कांति सिंह ने कहा, वृक्ष मानव के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। इसी से मानव जीवन है और ये धरती के आभूषण है। उक्त अवसर पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुरेंद्र सिंह, छाया सिंह, आरसी पटेल, मयंक यादव, राम प्रकाश वर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। बाराबंकी से अनीता रस्तोगी की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन के संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष परशुराम अवस्थी बाइक यात्रा द्वारा मारिया थाने के पीछे शिवनगर मुर्गी फार्म, चौराहा सीतापुर रोड, लखनऊ शिव मंदिर महादेवा, जिला बाराबंकी के लिए निकले, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, राष्ट्रीय सचिव अनूप श्रीवास्तव, राष्ट्रीय संयोजक इंद्राज सिंह, राष्ट्रीय महासचिव विजय मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष विपिन शुक्ला, प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील कुमार पांडे, प्रदेश संगठन महामंत्री सुशील सिंह, जिला अध्यक्ष लखनऊ राजेश मिश्रा, मंडल अध्यक्ष सुनील चौरसिया, सैकड़ों लोग के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष परशुराम अवस्थी, जो की बाराबंकी होते हुए फतेहपुर सूरतगंज महादेवा पहुंचे और लादेश्वर का दर्शन जल अर्पण करके वे बदूसराय पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत ज्वाला सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संतोष तिवारी और भारी संख्या के लोग स्वागत किया। वहां से कोटवधाम पहुंचे, वहां पर दर्शन किए, फिर पारिजात पर पहुंचकर दर्शन किए। यह प्रजात पेड़ विश्व में एक ही पेड़ माना गया है, जो काफी दूर से लोग इसके दर्शन के लिए आते हैं। कहा जाता है कि कोटवधाम मंदिर ऐसा है जो कि लोग इसके दर्शन के लिए बेताब रहते हैं। जिला बाराबंकी तहसील फतेहपुर से अनीता रस्तोगी की रिपोर्ट। तहसील फतेहपुर जिला बाराबंकी के पास पंचायत छेदा चौकी का यह मामला है। गांव भगवंतापुर गांव के कोटेदार गरीबों के साथ कर रहे हैं अत्याचार। जब गल्ला बांटते हैं तो एक किलो गल्ला कम भी देते हैं और गरीबों से उसके दाम भी ले लेते हैं। और कुछ गरीब ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अच्छे अच्छे महीने हो गए, ना तो मिट्टी का तेल और ना ही गल्ला मिला है। यह लोग एप्लीकेशन भी दे चुके हैं, इन पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। तब वह लोग मीडिया का सहारा लिया। मीडिया की टीम भगवंतापुर पहुंचती है तो वहां प्रधान के दरवाजे काफी गरीब व्यक्ति खड़े हुए थे, जिनसे पूछा गया तो वे अपनी समस्या बताना शुरू किया। इसके बाद प्रधान से पूछा गया कि आप इन गरीबों को राशन क्यों नहीं दिलाते हैं। तब प्रधान ने कहा कि हमसे बिना साइन कराए बिना पर्ची के ही गल्ला उठा लाते हैं। राशन महीने में दो ही दिन देते हैं, जो आदमी पहुँच जाता है उसको मिल जाता है और जो नहीं पहुँच पाता है उसको नहीं मिलता है। राशन देने की कोई तारीख निश्चित नहीं है। जब मीडिया ने कोटेदार को बुलाने को कहा तो कोटेदार नहीं आया, उसका लड़का आया सर्वेश। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आप इन गरीबों को राशन क्यों नहीं देते हैं तो उन्होंने कहा, यह विपक्षी लोग हैं, यह हमें झूठा साबित कर रहे हैं। और जब गरीबों से पूछा गया तो उन्होंने कहा, इसमें पक्षी और विपक्ष की क्या बात है, हम लोग तो गरीब देखते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में क्या गरीबों को कोई सुनवाई होगी भी या नहीं। कोटेदार लोग अपनी ही मनमानी करते हैं, ना प्रधान की सुनी जाती है ना ही गांव वालों की सुनी जाती है। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, इसकी जांच भी कराई जाए। यह गरीबों को राशन क्यों नहीं मिल रहा है। अनीता रस्तोगी की रिपोर्ट, बाराबंकी। ये इनकी मदद आप कैसे कर सकते हैं? अरे साहब, हम चार महीने दस्तखत मोहर नहीं करेंगे, गल्ला उठाता है। हाँ, गल्ला उठाता है। आपने सेक्टर से फोन किया? हाँ, बताएं कि तो उन्होंने क्या बताया? वे कहें कि मतलब बांट रहे हैं, मतलब यूँ है कि गल्ला जो है मतलब लावत है, एक एक किलो दो दो किलो कम दे रहे हैं। बताओ गल्ला नहीं। और बिल्कुल जो है तो एक दिन चावल बटे हैं, दूसरे दिन चावल बटन नहीं है। ये सब हजम कर रहे हैं। चावल कहीं है नहीं, नहीं ये हजम कर रहे हैं के चावल चार चार महीने दस्तखत नहीं कराया, मोहर नहीं लगाया है, मतलब ट्रिप पर जो है तो चावल गायब हो जाता, चावल है नहीं, तो चावल कहाँ चला जाते थे। देखिए, इस समय प्रधान जी बता रहे हैं कि ये ना दस्तखत कर रहे हैं और ना मोहर लगा रहे हैं, जो है बिना बिना परमिशन के गल्ला उठा रहे हैं और पब्लिक को दिया नहीं जा रहा है। एक दिन बांटते हैं, बाकी सारा गल्ला क्या करते हैं। माता जी, आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या है? प्रीति। आपको गल्ला कब से नहीं मिला है? हमका तो कब से नहीं मिले थे गल्ला। आप कौन सी कास्ट के हैं? गौतम है। तब भी आपको, बच्चे कितने हैं आपके? एक है, लेकिन गल्ला नहीं मिल रहा है आपको। तीन लोग हैं साहब। तीन लोग हो जमीन साहब, इनके विश्वास नहीं।
जमीन एक बिसवा इनके नहीं, एक बिसवा जमीन नहीं मिला।